हेलो चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग गुड लेट्स स्टार्ट टुडे अ फ्रैक्शन इज अ मेजर टू नो हाउ समथिंग इज टू बी डिवाइडेड इट मीन्स द पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन दीज पार्ट्स मे बी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रीजन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज किस तरह से डिवाइडेड है इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट या कलेक्शन का कोई पार्ट है Fraction as an object and a region halves. When a whole is divided into two equal parts, each equal part is called one half or halves. All the above shapes are divided into two halves, that is two equal parts. Below shapes are also divided in two parts, but they are not equal. देखिए जब एक whole part को हम दो में divide करते हैं तो उसे हम half हाँ कहते हैं। जैसे आपको ये figure नजर आ रही हैं, इन में सब को equally divide किया गया है, two तो parts में equally. इन शेप्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बट इक्वली नहीं डिवाइड किया गया वन हाफ मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स इट इज रिटर्न एज वन बाई टू वन हाफ का मतलब होता है एक पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स और इसे हम लिखते हैं होल डिवाइडेड थ्री इक्वल पार्ट्स, पार्ट कॉल्ड

हम लिखेंगे ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एंड रिटर्न सेमगर को सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड हर इक्वल पार्ट को हम वन सिक्स कहते हैं जिसे हम वन बाय सिक्स से डिनोट करते हैं वन सेवन होल इज डिडेड इंटू सेवन इक्वल पार्ट ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड वन सेवन एंड रिटर्न इज वन बाय सेवन सिमिलरली वी हैव वन एट वन नाइन्थ एंड वन टेंथ एंड सोन ओके चिल्ड्रन अब आपको एक्सरसाइज दी गई है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग डिवाइड द गिवन फिगर्स इंटू वन हाफ यूज इन फोर डिफरेंट वेज आपको सेम फिगर दी गई है और आपको इसको फोर डिफरेंट वेज में हाफ़ करना है देखिए जैसे आप इसे यहाँ से हाफ कर सकते हैं आप साइड से भी हाफ कर सकते हैं फोर डिफरेंट वेज में अब दो मैंने आपको करके दिखाए बाकी आप खुद करेंगे एंड वॉन्टेड टू गिव वन पीस टू अरुणा बट शी इंसिस्टेड फॉर टेकिंग टू पीसिस सो अरुणा गॉट टू आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स वी कैन एक्सप्रेस इज एस टू थर्ट्स और टू बाई थ्री अब देखिए एक से ज़्यादा पार्ट्स जैसे अरुणा का बर्थडे था तो अरुणा की मॉम ने उस केक को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया अब उन्होंने अरुणा को एक पार्ट दिया बट अरुणा को चाहिए था दो पार्ट तो उसे कितना पार्ट मिला थ्री पार्ट्स में से उसे टू मिला तो इसे हम बोलते हैं टू थर्ड्स ओके द तो फॉलोइंग पिक्चर्स शो अदर फ्रैक्शंस इसी तरह से आप देखिए फिगर में आपके फोर इक्वल पार्ट्स हैं इसमें एट इक्वल पार्ट्स हैं एंड नेक्स्ट वन में नाइन्थ इक्वल पार्ट्स हैं इसमें से आपके कलर्ड हैं कितने थ्री टू थ्री बाई फोर फाइव एट यानी फाइव बाई एट सेवन नाइन्थ यानी सेवन बाई नाइन ओके अब आपको एक्सरसाइज दी गई है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे fractions in collections fractions can also be used to the parts of a group or a collection let's see aman had a collection group of six kites he colored every other kite in the collection so half the kites were colored he had three colored kites. half of six kite is equals to three kites six divided by 2 is also 3 a big fraction किसी ग्रुप या कलेक्शन का भी हो सकता है जैसे कि अमन के पास सिक्स काइट्स थी जिसमें से उसने हाफ को कलर कर दिया और हाफ कैसे निकलेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स को आप टू से डिवाइड कर दीजिए तो थ्री काइट्स उसकी कलर्ड थी जबकि थ्री अनकलर्ड ओके चिल्ड्रन अब एक्सरसाइज है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एवरी फ्रैक्शन हैज टू नंबर्स लुकेट द फ्रैक्शन थ्री बाई फाइव देर आर टू नंबर्स इन द फ्रैक्शन वन इज़ अबव द लाइन एंड अनदर इज़ बिलो द लाइन द नंबर अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमिरेटर ऑफ द फ्रैक्शन नंबर बिलो द लाइन इज़ कॉल्ड द नॉमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन देखिए कोई भी, भी फ्रैक्शन होता है जैसे आपको थ्री बाई फाइव दिया है कोई भी फ्रैक्शन में दो नंबर होते हैं एक लाइन से ऊपर और एक लाइन के नीचे तो जो लाइन से ऊपर है नंबर उसे हम कहते हैं न्यूमिरेटर एंड जो लाइन से नीचे है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर रिमेंबर दैट व्हेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल इट इज कॉल्ड वन और होल द डिनिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल एंड द न्यूमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन जब न्यूमिनेटर एंड डिनिनेटर इक्वल होते हैं तो उसे हम वन या होल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सिक्स बाय सिक्स न्यूमिनेटर एंड डिनिनेटर आपके इक्वल हैं और डिनोमिनेटर आपको ये बताता है कि उस होल पार्ट्स के कितने पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हैं एंड न्यूमिनेटर आपको बताता है कि उसमें से कितने पार्ट्स लिए गए हैं सो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा आपको फ्रैक्शंस की कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अब आप, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे